हो रहा है और मैं अभी भी अपने बिस्तर के अंदर ही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जो भी अपने आसपास में जितने चारों तरफ जो भी पहाड़ है उस पर पूरी बर्फ़ आ चुकी है, लेकिन गांव तक बर्फ़ नहीं पड़ी। और रात से पूरी बारिश हो रही है अभी तक, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से -1-2 के आसपास है, और सुबह के हो रहे हैं अभी 8:30। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अरविंद फ्रॉम उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको ना पहाड़ के घर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके के शहरों में घर होते हैं उसी तरीके के हमारे पहाड़ में भी अब धीरे धीरे उसका एक मॉडल टाइप का बन चुका है, और लोग बढ़िया से घर बनाने बैठ गए हैं। क्योंकि पुराने जमाने में ना पठाल के मकान बनाए करते थे, पत्थर के बनाए करते थे। और ये है मेरी मम्मी बाहर पे, और खाना वाना बनाएगी, अभी नाश्ता बना रही है, अब जाके लाइट ऑन हुई। तो भाई दिखाता हूँ आप किस तरीके के घर बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खर्चा कर रहे हैं लोग और अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं। कंक्रीट जो भी जो लेंटर कंक्रीट सीमेंट का होता है उसी तरीके के बना रहे हैं आप। पठाल का काफ़ी कम यूज़ करते हैं, जबकि पठाल की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसके बावजूद भी क्योंकि खनन करना एक अपराध है, उसमें इलीगल है, तो इसलिए आप लेंटर के ज़्यादा मकान बन रहे हैं। तो दिखाता हूँ किस 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 टाइप के हमारे पहाड़ों में मकान बना रहे हैं। और ये है मेरी मम्मी, पुतले की तरह खड़ी हो रखी है। भाई बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है, चारों तरफ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है और आसमान तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। और ये अपने पूरे गांव का इलाका, और सामने देखिए खेत में देखो कितनी नमी है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, कम से कम 5 mm के आसपास पूरी बारिश हुई है रात भर, काफ़ी गीला हो रखा है। और ये है हमारा घर जो कि अभी नया बन रहा है, और इसमें ऊपर प्लास्टर हो गया और अभी नीचे होना बाकी है। तो इस तरीके का ये पहला घर है जो नया मॉडल से बना रखा है, और इसमें ना जो इंटीरियर है उसमें 2-3 कमरे हैं, और ये जो फ्रंट वाला है ये हॉल है, और जो उस साइड में है वो दूसरा रूम है, और उसके एक और अंदर, तो पूरा अंदर से ही है, सिर्फ एक मेन गेट बाहर से, और वही सिस्टम नीचे है, डाइनिंग हॉल, 2 रूम और किचन इसमें नीचे है। बाकी आपको ये पठाल के बहुत सारे पुराने घर दिख रहे होंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे गौशाला टाइप के इसमें गाय वगैरह रहती है, और पहले के लोग ना इसी इसी ये हमारा किचन, और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, अब बनाएगी रोटी, अभी तक बनाई नहीं, खिला नहीं बनाऊंगी अभी तक, अभी तक कोई आटा वाटा मुझे, भाई मैं अभी तक उठाने मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा था बाहर, और मुझे बिल्कुल ऐसे उठाने के लिए उठ जा उठ जा उठ जा नाश्ता करने के लिए आ जाओ, और अभी तक आटा तक नहीं गूंदा है। चलो लेकिन गूंदेगी आराम आराम से। जल्दी बना लेगी फोन मम्मी रोटी, अच्छा टेंशन काहे का, अभी तो 8 बज रहा। चल चल बना बना तब। तो भाई मम्मी बना रही है रोटी, तो फिर मिलते ये हैं। अनिल की मकान जो नई बनी है, और कम से कम इस पे ना 10 से 15 लाख का खर्चा आया है, अंदर इसमें चार तो पांच। वही अनिल का ना ये हॉल है, बाहर से जो ये आपको खिड़कियां दिख रही थी, और यहाँ पे इसकी जस्ट बगल में किचन है ये वाला, और ये एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, और तीसरा वाला इधर है। अभी भाई काम चल ही रहा है, इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान रखा हुआ है जब तक तो ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। और इधर छोटा सा, और ये क्या चीज़, अच्छा ये अंदर भाई इनका टॉयलेट और वॉशरूम दोनों साथ में है, इंग्लिश सीट लगाई हुई है, तो सारा चीज़ आपको अंदर ही मिलेगा। सिर्फ एक मेन गेट है यहाँ बाहर से, और बाकी चीज़ें किचन से लेकर के जो भी आपका हॉल रूम जैसे बाहर रहता है सारी चीज़ें वैसी की वैसी किया हुआ है। अभी खाली थोड़ा बहुत इंटीरियर जो फर्स्ट लेयर है हमारी पेंट की ऐसे ही लगाया हुआ है, इसके बाहर अभी अच्छे से पेंटिंग वेंटिंग करेंगे। तो अनिल देखते हैं जब ये कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा तो तब उस टाइम पे दिखाऊंगा। बाकी अच्छा जो भी मिस्त्री लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इसको बनाया है सारे गांव के हैं, तो भाई देख लो गांव में भी कितने स्किल्ड मिस्त्री हैं, बाहर के लाने से अच्छा तो गांव के ही हैं। और बाकी जो ये दरवाजे हैं ये सारे बाजार से मंगाए हुए हैं, लेकिन जो मेरी मकान में लगे हैं वो यहीं के मिस्त्री ने बनाए हैं, और वो लकड़ी के हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं,